वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज साइबर शेक। आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की। नाउ आज की रॉ में काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, फॉर एग्जांपल मैचेस लाइक रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच, या फिर एलेक्सा ब्लेस की स्पेशल पावर व्हिच डेब्यूटेड ऑन दिस एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो गाइस वी विल टॉक अबाउट इट ऑल, बट उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल, इफ यू आर ए WWE फैन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल राइट हियर राइट नाउ, बिकॉज रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस काफी ज्यादा आने वाली हैं, काफी ज्यादा आई हैं इनफैक्ट, एंड आती ही रहेंगी। तो गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंडे नाइट रॉ। तो गाइस यहां पे हमें सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा विद वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज। यहां पे हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने अनाउंस कर दिया है दैट ही हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है हमारे पास, एंड दैट इज दैट उनको अभी तक सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी बैक इन 2 weeks, विच इज स्टिल बिफोर रॉयल रंबल। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर साइब्रोज, आई विश कि भाई ड्रू मैकइंटायर विल क्लेम ओवर हिज वे आउट ऑफ दिस इंटायर सिचुएशन, कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंड द चैंपियनशिप अगेंस्ट गोल्डबर्ग, बिकॉज अब ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। लास्ट वीक गोल्डबर्ग ने चैलेंज किया था ड्रू मैकइंटायर को, इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सो गाइस एट रॉयल रंबल वी आर गोना सी ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर द WWE चैंपियनशिप। नाउ इनिशियली आज की रॉ के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन फिक्स था, बट सिंस दैट कैन नॉट हैपन, नाउ WWE ने हमारे लिए यहां पे एक नया मैच सेट कर दिया था, व्हिच इज रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच। नाउ दिस इज नॉट अ मैच, दिस वाज अ फाइट, सो देयर वर नो रूल्स, दीस गाइस वर जस्ट सपोज्ड टू फाइट, एंड आफ्टर फाइटिंग फॉर अ व्हाइल यहां पे होता है कुछ काफी अनयूजुअल। सो गाइस बेसिकली ट्रिपल एच वाज अबाउट टू यूज हिज हैमर, बट यहां पे हो जाता है ब्लैक आउट, लाइट्स चली जाती हैं, एंड ट्रिपल एच के स्लेज हैमर में आग लग जाती है, एंड व्हेन द लाइट्स आर बैक ट्रिपल एच इज नोवेयर टू बी फाउंड। इंस्टेड हमें यहां पे देखने को मिलती है द रिटर्न ऑफ एलेक्सा ब्लिस। हाउएवर यहां पे कुछ काफी खतरनाक होने वाला है, बिकॉज एलेक्सा ब्लिस की स्पेशल पावर्स का डिब्यूट होने वाला है, एंड ये जो भी हुआ काफी जल्दी हुआ, एंड इट सीम्स कि भाई एलेक्सा ब्लिस के हाथों से आग निकली या समथिंग लाइक दैट, एंड इट वेंट स्ट्रेट इन टू रैंडी ऑर्टन्स आईज। मतलब एज अ सेट काफी जल्दी में हुआ, बट इट लुक्ड अमेजिंग एज हेल। तो गाइस इफ यू वर वॉचिंग एज वेल, डेफिनेटली लेट मी नो कि आपका रिएक्शन कैसा था व्हेन दिस हैपेंड, बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस वॉज अमेजिंग। तो गाइस इससे और कुछ नहीं, एक चीज डेफिनेटली क्लियर हो चुकी है कि भाई रैंडी ऑर्टन द फीड एलेक्सा ब्लिस इनका चैप्टर अभी भी यू नो इट्स फार फ्रॉम बींग ओवर। एंड इवन दो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने अपनी एंट्री कन्फर्म कर दी है एट रॉयल रंबल, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमें रॉयल रंबल में कुछ ना कुछ खतरनाक, कुछ ना कुछ एपिक देखने को मिलने वाला है, बिकॉज समवे समहाउ फीड इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस रॉयल रंबल एज वेल। I just know it. So guys, that is all for this video. Hopefully, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please make sure to leave a like. आपके क्या opinions हैं on any of this? Make sure to let me know in the comments. Anyways, that is all for this video. I will see you all in the next one. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Yo, my name is Cyber Shake. Subscribe to get updates. Do never miss a video. Watch them all every day. Yeah. Do give this video a like too, and if you got time, check my music channel out too. It's gonna be worth it. I promise you that. A flow you never heard before. I can promise you that. And if you're liking what you're hearing, you